दोस्तों भारत की एक गलती की वजह से भारत का ओरा बोम्बर 2 से 4 साल और ज्यादा लेट होने वाला है और इसी ओरा बोम्बर के लिए भारत ने खुद का कावेरी ड्राई इंजन बनाया है और इस कावेरी ड्राई इंजन की ग्राउंड विंड टनल टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी रही है। लेकिन अभी इस इंजन की एक टेस्टिंग और बाकी है और इस टेस्टिंग को कहा जाता है हाई अल्टीट्यूड टेस्ट। किसी भी इंजन के लिए ये टेस्टिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि अगर आपको किसी भी फाइटर जेट को उड़ाना होता है तो कम से कम आपका फाइटर जेट 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा और इतनी ऊंचाई पर कोई दिक्कत ना हो इसी वजह से ही हाई अल्टीट्यूड टेस्टिंग की जाती है। और भारत अपने कावेरी ड्राई इंजन की ये हाई अल्टीट्यूड टेस्टिंग रशिया में करने वाला था लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से ये टेस्टिंग नहीं हो पाई है। इसीलिए ही ओरा बोम्बर के इंजन की वजह से अभी ओरा 2 से 4 साल और ज्यादा लेट होगा।